नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 9 और 10 नवंबर के आपकी राशि के महाराशि फल के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, जिनका भी आज में बर्थडे है या फिर एनिवर्सरी है, आप सभी को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप दिन दुगनी रात चौगनी तरीके करें। तो आइए दोस्तों, सके साथ बात करते हैं यशु में ग्रहों की स्थिति कैसी होंगी, क्या क्या योग बनेंगे और इन सभी का असर आपकी राशि पर क्या होगा, किन किन चीज़ों को लेकर यश में आपको सावधान रहना होगा और आखिर कौन कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे। दोस्तों, यश में आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, करियर कैसा रहेगा। दोस्तों, इन्हीं 2 दिनों में आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति और धन को लेकर स्थितियाँ कैसे उचित होंगे, इन सभी की महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, वीडियो के अंत में बहुत ही अच्छे उपाय हैं जिन्हें आप करके इन दिनों को और भी ज़्यादा लाभकारी बना पाएंगे। उससे पहले दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर दें। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं, जान लेते हैं पहले ग्रहों की स्थिति के बारे में। सबसे पहले दोस्तों 9 नवंबर की बात करें तो दोस्तों इस दिन मंगलवार का दिन रहेगा, शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि रहेगी और दोस्तों इस दिन पूर्वाषाढ़ा नाम का नक्षत्र रहेगा। वही दोस्तों दिन योग की बात करें तो धृति नामक शुभ योग दोपहर के 12:06 रहेगा, उसके उपरांत शूल नाम का शुभ योग प्रारंभ हो जाएंगे। वही दोस्तों इन राहु काल के समय दोपहर के 2:55 से लेकर शाम के 4:18 रहेगा। दोस्तों ध्यान रहे, आप यह राहु काल के समय में कोई भी शुभ और महत्वपूर्ण कार्य को भूल से भी ना करें। इसके उपरांत दोस्तों चंद्रमा दिन धनु राशि के उपरांत मकर राशि में संचार करने जाएंगे। वही दोस्तों अगले दिन की बात करें 10 नवंबर की तो दोस्तों ये दिन बुधवार का दिन होगा, शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि रहेगी, उत्तराषाढ़ा नाम का इस दिन नक्षत्र रहेगा। साथ ही दोस्तों दिन गण नाम का शुभ योग रहने वाले हैं जो कि आपके प्रत्येक क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण स्थितियां लेकर आएंगी। तो दोस्तों इन दिन राहु काल के समय दोपहर के 12:10 से लेकर दोपहर के 1:33 रहेगा और दोस्तों चंद्रमा दिन मकर राशि पर ही संचार करेंगे। तो आइए दोस्तों बात करते हैं इन दोनों की जो ग्रहों की स्थिति है और चंद्रमा का जो गोचर है आपकी राशि पर क्या क्या प्रभाव लेकर आती है। चलिए दोस्तों बात करते हैं पूरे विस्तार से। दोस्तों, यह समय माता पिता भाई बंधु सबके साथ विचारधारा एक दूसरे के अच्छे हो सकती हैं तथा किसी भी काम काज में एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना होने से घर में खुशी का माहौल हो सकता है। वैवाहिक मांगलिक कार्य यह समय होने की संभावना पाई जाती है। वही दोस्तों नेगेटिव की अगर बात करें तो कड़ी मेहनत करने वालों को उत्तम परिणामों की प्राप्ति होगी, लेकिन दोस्तों अध्ययन में लापरवाही करने से आपको रुकावट का सामना भी करना पड़ सकता है। दोस्तों, वर्तमान की बहुत ही अच्छी लगने वाली बातें आने वाले काल में बहुत कड़वे यानी दुख का कारण बन सकती है। दोस्तों, आप अपने वाणी पर यह समय संयम रखें, आर्थिक मामलों में जोखिम ना उठाएं। दोस्तों, यह समय आपका दिन आपके लिए 2 तरह की चुनौतियों से भरा हो सकता है। दोस्तों, यह समय बिजनेस के मामलों में आपको दूसरों से बेहतर साबित होने का दबाव भी रह सकता है। वहीं दोस्तों कुछ अच्छी सूचनाएं भी आपके निजी जीवन में खुशी ला सकता है। दोस्तों, आपके बिगड़े हुए काम बनेंगे, जो काम कुछ समय से करना आप चाह रहे थे वह करने में आप यह समय सफलता प्राप्त करेंगे। अपनी मेहनत में कोई कमी होने न दें। दोस्तों, परिवार में यदि कोई विवाद उत्पन्न हो रहा है तो अपना मत अवश्य रखें, जो सच है उसका साथ दें। वही दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी करियर को लेकर बात करें तो दोस्तों आपको यश में कुछ प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, इसमें आपको क्षमता से अधिक मेहनत भी करनी होगी। कहीं से अचानक बड़ा धन लाभ हो सकता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि यश में आप कोई बैंक बैलेंस ना बना पाएं। इसके पीछे के कारण यह हो सकता है कि आप कोई संपत्ति खरीद सकते हैं या दोस्तों कहीं भी आप जो अपना जो है पूंजी को निवेश कर सकते हैं। दोस्तों, इन दिनों में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो आपके अंतरंग संबंधों में वृद्धि रहेगी, लेकिन दोस्तों ध्यान रखें यदि आपका जो प्रियतम है किसी बात में आप पर जो विरोध भी आपका कर सकता है, यश में उनकी बातों को आप महत्व दें, तभी इस रिश्ते में जो है बराबरी का दर्जा एक दूसरे को आप दे पाएंगे और दोस्तों आपका रिश्ता भी यश में अच्छा ही चलेगा। दोस्तों, यश में अविवाहितों के लिए दिन फलदायक रहेगा, ये समय कोई अच्छा रिश्ता भी आपको मिल सकते हैं इसका आसार है। अपने प्रयास आप करते रहें,
वहीं दोस्तों यश में अगर आपकी हेल्थ को लेकर बात करें यानी सेहत को लेकर, तो दोस्तों यश में खान पान का विशेष ध्यान रखें। फूड पॉइजनिंग जैसी कोई समस्या भी आपको यश में हो सकता है। दोस्तों यश में आपको नियमित रूप से व्यायाम करें, आप खुद को चुस्त दुरुस्त बनाए रख सकते हैं ऐसे में, और साथ ही साथ खान पान पर भी आप विशेष ध्यान रखें। दोस्तों यश में आपका भाग्यशाली रंग रहेगा हरा और भाग्यशाली अंक रहेगा 6। दोस्तों यश में गणेश जी बताते हैं कि आपको अधिक व्यवहारिक बनने की आवश्यकता होगी, क्योंकि आप भावनात्मकशील होने के कारण हर एक बात दिल से विचार करते हैं। छोटी छोटी कठिनाइयों में भी आप मानसिक तनाव अनुभव करते हैं, इसलिए दोस्तों यश में आप व्यवहारिक बनना आपके लिए आवश्यक होगा। कभी कभी दिल की अपेक्षा आप दिमाग का भी उपयोग करें, यह आपके लिए बुद्धिमानी का कारक होगा। वही दोस्तों यश समय अगर आपकी वित्तीय स्थिति यानी पैसों की स्थिति को लेकर बात करें, तो दोस्तों आप बिना किसी प्रयास के अधिकतम परिणाम लाना चाहेंगे। दोस्तों यश में भाग्य पर निर्भर रहेंगे। दोस्तों यश में आप धन की आमदनी तो करेंगे, लेकिन वो स्मार्ट तरीके से आप करना चाहेंगे, लेकिन दोस्तों दुर्भाग्य से आपका भाग्य जो है आपका समर्थन नहीं करेगा, जबकि आप किसी भी कीमत पर परिणाम प्राप्त करना चाहेंगे। वही दोस्तों यश में अगर आपकी पारिवारिक जीवन की बात करें, तो दिल के मामले में त्याग करने का रवैया निश्चित रूप से आपकी मदद करेगा। दोस्तों यश में दिन अच्छी और बुरी दोनों तरह के हालात होंगे, आप रिश्तों में स्वामित्व होंगे, और दोस्तों गणेश जी ऐसा कहते हैं कि आपको अपने पीर के प्रति सहानुभूति रखने की भी यश में आवश्यकता होगी। वही दोस्तों यश में अगर आपकी आर्थिक स्थिति यानी अर्थव्यवस्था की बात करें, तो दोस्तों गणेश जी यश में भविष्यवाणी करते हैं कि आप यश में अच्छा पैसा कमाने वाले हैं, कई स्रोतों के जरिए अतिरिक्त पैसा कमाने में भी सक्षम होंगे। दोस्तों यश में आप अपने काम को लेकर बहुत ही लोगों के पास चर्चा भी कर सकते हैं। दोस्तों यश में काम के मोर्चे आपका ध्यान आकर्षित कर सकते हैं, क्योंकि अधूरे काम को पूरा करने की जरूरत है, अतः अपना ध्यान लक्ष्यों पर रखने की कोशिश करें। गणेश जी कहते हैं कि शारीरिक गतिविधियों में शामिल के लिए यश में अच्छा दिन होगा, क्योंकि यह आपको पूरा तरह से फिट रखेगा। दोस्तों यश में आप अपने दफ्तर से जल्दी निकलने की कोशिश करें और वे काम करें जिन्हें आप वाकई पसंद करते हैं। रियल इस्टेट संबंधी निवेश आपको अच्छा खासा मुनाफा यश में दे सकता है। दोस्तों आपके आकर्षक और व्यक्तित्व के जरिए आप जो है कुछ नए दोस्त यश में बना सकते हैं, या फिर आपके कुछ नए दोस्त जो मिल सकते हैं। दोस्तों यश में लव मेट आपसे किसी चीज़ की डिमांड भी कर सकता है, लेकिन आप उसे पूरा नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से आपका लव मेट आपसे नाराज भी हो सकता है। दोस्तों सहकर्मियों और वरिष्ठों से मिला सहयोग आपके उत्साह में इजाफा करेगा। दोस्तों अपने काम से आराम लेकर यश में कुछ समय के लिए अपने जीवनसाथी को समय दें, उसके साथ समय व्यतीत करें। जीवनसाथी से आपको अपने दिल की सारी बातें करने का पूरा भरपूर समय मिलेगा। दोस्तों यश में आप अपने प्रेम संबंध को मजबूत करने के लिए केले की पेड़ की पूजा करें। दोस्तों यश में आपको कौन से महत्वपूर्ण उपायों को करना चाहिए? दोस्तों लोग तो धन प्राप्ति के बहुत सारे उपाय करते हैं, लेकिन दोस्तों उनमें से कुछ ये खास उपाय हैं जिन्हें करके आप अपने जीवन में बहुत ही आगे जाएंगे और बहुत ही धन को भी अर्जित करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, ध्यान रखें, इन बातों को सदैव याद रखें, कभी भी किसी से कोई भी चीज़ मुफ्त में न लें। जी हाँ दोस्तों, हमेशा उसका मूल्य अवश्य चुकाएं, कभी किसी व्यक्ति को धोखा देकर धन का संचय न करें, और इस तरह से कमाया हुआ धन टिकता नहीं है। इन बातों को आप जरूर याद रखें, वह उस व्यक्ति और उसके परिवार के ऊपर कर्ज के रूप में चढ़ जाता है, और ऐसा करने से व्यक्ति के स्वयं के भाग्य में और उसके कर्म से आसानी से मिलने वाली जो समृद्धि है, जो सफलता है, उनमें हमेशा बाधाएं लगी रहती है। तो दोस्तों यश में इन बातों का आप ख्याल रखें और इन्हें अपने जीवन में उपयोग करें। दोस्तों आप बहुत ही आगे जाएंगे और अपने जीवन में सफलताओं और धन को भी अर्जित करने वाले हैं। तो दोस्तों और ऐसी अधिक जानकारी के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।